मिनट ना, 10 मिनट में तो पहुंच जाते कहीं और। रात का समय होता है ना, ड्राइवर भरोसा नहीं करना चाहिए। ड्राइवर भी सो गया, उसके बगल वाला को पायलट भी सो गया, गाड़ी जा रहा है। बाद में कोई देखा कि भैया एक वो बाइक वाला था, वो जान बचा के भाग रहा था, साइड दे रहा था। ये तो भाई सुतल आदमी कहाँ देखेगा, ये तो चल रहा है। तो बाद में जगाया उगाया तो बच गया, नहीं तो चल ले था ये लोग। चलिए, अरे ये लगा दो भाई, लगा दो सर का तो नहीं। अच्छा, इसको लास्ट छोड़ने दीजिए, तब नीचे से कॉल आ जाएगा। हाँ वो लाइव है ना, किसी का जिंदगी को वायरल मत करिए। और अभी 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 उस फोटो में देख रहे हैं कि पीके सर अभी से डरे हुए हैं, पता नहीं क्या है। ये हमर बिया हुआ है, जोकर हुआ है, तो हमरा काहे परेशान कर रहे हैं। चले, अरे अच्छा, क्लास के बाद लगा दिया जाएगा। है जी, है फुटवा है, मेरे पास नहीं है। हम दूसरी के पत्नी का फोटो नहीं रखते हैं भाई। हाँ, तुम भेज दो इनको, तब तक पढ़ लीजिए। गुड इवनिंग, देखो ऑनलाइन भी गुड इवनिंग राधे राधे हो चुका है। ये पंडित है, पढ़ाई था से मतलब नहीं है। अच्छा ये बताओ, शैलेंद्र सर की वाइफ उनकी साली लगती है, छूछे है क्या क्या बोलते हैं। चलो आप देखो जरा सा, अंतिम में अभी नहीं। अरे नीचे से पूरा हम ही को हटा दिया जाए, चाहते हम हट जाए तो फिर अभी नहीं लगा। अंतिम जाने में खत्म, हम चले जाएंगे, हमको कहेंगे हमको क्या पता कौन लगाया, और अभी हम लगाएंगे तो कहेंगे नहीं आप ही लगवाए, फंसेगा बाद में कोई दूसरे ना, हमारा से मतलब है। हाँ देखते नहीं है, समय हो जाने के बाद आप देखिएगा, जब फोन आने लगता है माइके का आवाज बंद करके निकल जाते हैं कि मास्टर बोलवा नहीं करेगा, तो समझना होता है सब चीजों को, ध्यान दीजिए। हाँ इसमें लेटर क्लासिफिकेशन आसान है, और आज ज्यादा नहीं, आज भी जाना है। आज आप जहानाबाद वाले हैं कोई, आप बस भेज दो, जेकरा जेकरा दोस्त लोग भेज दो उनके घर पे, आज वहां पार्टी है। नॉर्मल है भॉवेल, ध्यान देना नॉर्मल क्वेश्चन में इसमें आएगा, इसमें कोई दिक्कत। ए जो है आपका क्या है, भॉवेल है, बाद बाकी कॉन्सनेंट है। बात समझ में आ गया, लेटर क्लासिफिकेशन की बात अगर करते हैं तो देखो शादी का लगन कितना जोर से है कि अभी देख रहे हैं बच्चा का संख्या फिर भी कुछ कम है, इधर भी कम है उधर भी कम है। उधर वाला को तो छोड़ दो क्या करता है, इधर वाला में डर बना रहता है। ये लोग साड़ी पहन के नाचेंगे जाकर, साड़ी पहन के दिखाएंगे पिताजी शादी लगा देंगे, नौकरी गया तेल लाने। नॉर्मल है ओ ए ई जो है आपका कॉन्सोनेंट है, इसमें बहुत लेटर में आपको परेशानी नहीं होने वाला है। जो परेशानी था नंबर में था, नंबर क्लासिफिकेशन रहे कि नंबर एनालॉगी रहे या मैथमेटिकल ऑपरेशन रहे, देखो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा रीजनिंग में। मैथमेटिकल ऑपरेशन ठीक है, उसमें भी कैलकुलेशन है लेकिन वो फिर भी बन जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। मिसिंग नंबर जो होता है उसमें आपको भयानक प्रॉब्लम होने वाला है। मैथमेटिकल सीरीज जब आएगा आपको नंबर सीरीज में, तो सीरीज में बाद बाकी बन जाएगा, लेकिन बुझाता है 1 2 4 और डैश डैश डैश, उसमें समस्या आएगा। उसके लिए मैथ आपका अच्छा होना चाहिए। आगे HTD और U, नॉर्मल भावेल वाली बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आए, जी के देखो
यहाँ देखेंगे एम एन ओ टी यू वी क्यू आर एस, समझ में आ गया होगा, जी सी के में दूरी ज्यादा है। इसमें नंबरों से ही कोई बनाते हैं क्या? नंबर से बनाने वाले थोड़ा बच के रहिएगा, जब नॉर्मल बन रहा है तो क्यों हम मेहनत करेंगे, पहले हमको बताओ। जी के यहाँ पे क्या है, क्यू आर और एस नॉर्मल बन रहा है। अब हम 17, 19 फिर सोचेंगे एक गैप, इसमें कुछ ना समय खा जाएगा, तो दूरी ज़्यादा दूर का रहे तब नंबर का यूज़ करिए, उससे पहले नंबर का यूज़ नहीं करिए। आराम से नॉर्मली ए बी सी डी बीच में डालो, काम खत्म, नंबर याद करने का झंझट ही नहीं रहेगा। बी ई यू एक्स, देखो बी सी डी तब ई, बी सी डी कितना छोड़ा, दो को छोड़ा, चलिए यू के बाद आता है वी डब्ल्यू और तब एक्स, दो छोड़ा है ना, क्यू आर एस और टी, दो छोड़ा है, जाहिर सी बात है यही होगा क्योंकि हाई क्या उसमें एम एन नहीं होगा तो मेरे पास तो होबे ना करेगा। कितना नंबर है ये, कितना नंबर है ये, 134 एन पी है यहाँ पे, यहाँ पे एन पी है, आप में अगर नहीं प्रिंट हुआ है तो उसको लिख लें। अच्छा आप में भी नहीं है ना, तो एन पी कर लो उसमें, एन पी हो गया। नेक्स्ट ए ई ई आई ओ यू और इंडियन रेलवे आपकी अपनी संपत्ति, इसका कुछ भी आप घर लेके जाएं, पंखा खोलने में दिक्कत है रे, तो एसी में रहेगा तब ना सीट खोलेगा, जनरल में तो पहले बॉल खोलता था, और वो जो बॉल है घर में अगर चलाएंगे तो चलेगा, एक दो नहीं, हम कन्फर्म कुछ और कर रहे थे, यहाँ अभी दो तीन लड़की है, तीसरी को नहीं देख पाए हम, तो तीन मुंडी हिला था, नहीं जल सकता, मतलब समझ में आया आप लोगों को कुछ, बाद बाकी को पता नहीं है क्योंकि बॉल नहीं खोली थी। ना हम ही नहीं मानेंगे, अच्छा तुम ही ना मुंडी हिलाई थी, हाँ आप कौन जी, खान सर का वीडियो, खान सर वो बिजली वाला बोले हैं कभी, हाँ बोले हैं चोर नेतन दे, ए अगल बगल में अपना मोबाइल सब सही रखना, एक का तो गया था अभी तक नहीं मिला तुम्हारा ना, हाँ बस ठीक ही, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या हो रहा, हो क्या रहा, देखो एक चीज देखना, अरे भाई ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ एक्स कर लो पहले, उस पीडीएफ में क्या है, कार लिखा है ना, एक्स करिए, पुराना वाला में एक्स है ना, हाँ चल 136 में सी ए एक्स है, ठीक है, तो एक्स एम एन क्या है, अपोजिट है, आई आर अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है, और ये आपका अपोजिट नहीं है, अब बीच में जो ए ए लिखा हुआ है वो ऐसे ही है, सब में है, कॉमन है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्लियर हुआ, थोड़ा सा इरर होगा सही करते चलिएगा। ए पुराना वाला है तेरे पास, कहीं दिक्कत होगा बोलना, नया में थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो चलो आई आर ए जेड, ठीक, अच्छा अपोजिट याद है सबको, घसक जाओ थोड़ा सा, कोड़िया इंसान जलन खोर, आ तुमको क्या जरूरी है उसको घसका के बैठने का, उन्हें जाके नहीं बैठ सकती थी, नहीं तुम्ही को बोल रहे हैं, तुमने कारण उसको घसकना पड़ा है, देखो उसका चेहरा मासूम चेहरा, हाँ
बने मन कितना गाली दी होगी, नहीं गुस्सा ना, छोड़ दो छोड़ दो, माफ कर दो उसको, माफ कर दो। हाँ हाँ हाँ, ए देखो 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 इसको, अब ये उसको बोल रहा है, फिर तुम बैठ गई, गजब हाल है, घसक जा थोड़ा सा थोड़ा सा घसक जा। हाँ अबरी नहीं गुस्सा ना, दोनों को माफ कर दिया जाए। हाँ चोट लग गया था, वही वही लड़की धक्का दी होगी। हाँ चलिए ठीक है, आप लोग धकेल के मत बैठा कर, देखो तक कितना खाली सीट है, आओ चलो। हाँ इतना इजी में आ रही है, हद है यार। चले इसमें अपोजिट है, कम से कम क्लास जब लेट हो जाए ना तो आज सट से आइए, सट से घुसिए, इतना धीरे धीरे आएगी ना तो बस हो गया। अब सर का क्लास चल रहा था क्या, खान सर वाला छोड़े नहीं थे अभी तक? अच्छा जल्दी घुसो, जल्दी जाओ, धीरे धीरे नहीं आना। आओ देखो तुम लोग को अभी कहते, जब ऐसा लेट हो जाए ना सटाक से घुस जाना, ये नहीं कि देखते देखते आएंगे। 8:30 तक क्लास हो गया था आज, ये सब गुस्सा है, ये सब जो है ना गुस्सा है, इसीलिए आने तो कोई बात नहीं। आओ आओ, ये सब गुस्सा है, शादियां हो रही है, एक गाना। हाँ पीके सर का भी हो गया, बताओ अब कब। हम अभी किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी का नाम नहीं लिए हैं, अधूरे बात का पूरा मतलब समझ जाना, दैट्स कॉल अजम्पशन, वो सही भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया, जो रहे हमारा का मतलब है। चलिए आई आर इंडियन रेलवे हाई, ये हाई स्कूल होता है जी, ए जेड अपोजिट है। अच्छा एक चीज और देख लो जरा सा, क्योंकि यहाँ जी एच तो नहीं होगा, एस एच होगा, लेकिन अगर एस एच नहीं है तो पहले हम बाद में चेक करेंगे सही है कि गलत। एक बार दूरी देख लीजिए तो जरा सा, दोनों के बीच का दूरी कितना है, नहीं नहीं वही होगा, वहाँ एस ही होगा, पुराना वाला पीडीएफ 137। आई यार, हाँ इसको एस करिए। देखो जैसा इंडियन रेलवे ए जेड तो अपोजिट होता है, और यहां जो है ना यहां पे भी नहीं था, यू था, इसको वो भी लिख दिया है, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, अपोजिट कर लीजिए, एफ भी जहां है एफ यू कर लीजिए, इरर मिलते जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ इरर मिलेगा, ठीक है, शादी का ना मौसम है, तनी मरी इरर आता है। आज आज की एक बात बताते हैं, आ रहे थे इधर से जिधर से हम आते हैं, तो जो गलती नहीं करना चाहिए वो गलती कर दिए थोड़ा सा। ना नहीं हम आते हैं इधर से, क्या नाम है नाला रोड इधर से होता है ना उसे। चलिए एक मैडम जा रही थी स्कूटी से, सुनो सुनो अपने टाइप समझता है, हम कभी स्कूटी देखते हैं ना तो अपना स्पीड या तो कम ही कर लेंगे चाहे साइड में हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमको उन पे भरोसा नहीं होता है, स्कूटी वाली पे कोई गारंटी नहीं है, धक्का वही मारेगी। हाँ अब पीट हम ही जाएंगे, क्योंकि वहां तीन चार लड़का होगा उन्हीं के सपोर्ट में हमको मारेगा, अरे तू गिरा रे, दिक्कत होता है। तो उनको बोले वो एक नहीं आता लंबा वाला लहड़िया वाला कपड़ा नीचे फैला हुआ जो रहता है जो भी रहे, हाँ तो वो उनके स्कूटी में ना चक्का में अब तब घुसने वाला था, तो हम बहुत देर बर्दाश्त किया, हम सोचे गिरते ना तो चल जाते ही, तो हम उनको बोले थोड़ा सा कि आप गिर जाइएगा, नहीं आप ऐसे बोलते आप देखिए कपड़ा समेट लीजिए फंसेगा, तो हमको देखी मुस्कुराई, सुन लो रिप्लाई कुछ नहीं बोली कि थैंक यू, तो हमको लगा सुन ली, फिर आगे बढ़े फिर देखे ना सड़िए ले, अब हमारा अंदर लग रहा है कि गिरेगा तो जरूर ये, दोबारा संजोग से थोड़ा जाम आया तो फिर वो आगे बगल में आ गई, नहीं ध्यान दे रहे थे गिर जाता ना आज। हाँ
और हमारी एज की थी, मतलब बराबर था। दोबारा उनको, वो भी शादीशुदा ही थी, हम भी शादीशुदा ही हैं, हाँ। दोबारा फिर बोले उनको, दोबारा फिर बोले तो पता नहीं क्या क्या बोलिए, लेकिन कपड़ा नहीं ठीक की। हम बोली पागल वागल है क्या ये लड़की, हाँ। चौथा बार, तीसरा बार यहाँ इस मोड़वा के पास तो बोलती हैं, क्या नाम हुआ आपका, हम चलते बने। हम के अब मैटर खराब है, गिरे चाहे मारे हमारा कोई मतलब नहीं भैया, रुक करके नाम पूछे उस समय। हम सीधे बोले कि अरे भैया उसको लग रहा था कुछ और बात, हम बोले या फॉलो कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, और उसको कमेंट अच्छा लगा होगा समझे। तो लास्ट में, अंतिम में हम यही बोले कि हे मैडम गिरते आप, आपका कपड़वा फंस गया, कपड़वा संभालो, है ना, नाम से हमारा कोई मतलब नहीं है, नाम जानिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने क्योंकि हेलमेट मास्क लगाए रहते हैं ना, कौन पहचान जाएगा, कोई नहीं पहचान। खैर मेन हवा हुआ चल रहा था ना, अच्छा अच्छा उम्र में बड़ी हैं आपसे, हाँ हाँ। और अब जो जवाब तुम देने वाला है वो हम सुनना नहीं चाहते हैं, हाँ, क्योंकि तुम, हम मालूम है तुम्हारे पास कौन सा जवाब होगा, हाँ, क्योंकि KLM एक साथ है। कभी आप में स्कूटी चलाते हैं कोई, तो थोड़ा अपना कपड़ा लत्ता संभाल के बैठना, हाँ, ये नहीं उड़ियाने देना चक्का में, कोई बोले तो उसमें भी खुश, थैंक यू। अच्छा ब्रेक कैसे मारते हैं, आधा आदमी हाथ कर रहा है, आधा आदमी पैर कर रहा है, पैर से कि हाथ से, चप्पलों से होता है। इन लोग का अजीब सिस्टम है, ये स्कूटी हुआ ना, ये इसका हेडलाइट हुआ, दिखेगा इधर चकवा हुआ, इन लोग का सिस्टम है, पैरे नहीं पहुंचता है, आधे पर यहीं पर लटकले रहती है, टंगड़ी यहाँ फंस गिर ले है ना, ऐसे पकड़े रहेगी, हाँ। कोई कोई में हम देखते हैं लड़कवा को बैठे ले रहती है, तो लड़कवा यहाँ रहता है यहाँ पे, है ना, यही लड़का बेचारा टाइप लगता है कि हाँ चलो भाई ठीक है। खैर नाना लड़की के पीछे कौन बैठता है, गिरा घोड़ा उसके पीछे भी नहीं खड़ा रहिए, कभी कब लात मार देगा गारंटी नहीं, आ गया ये ABCDEFGHIJ, एक एक का गैपिंग है, OPQR। अब ये बताओ कि अगर हम नंबर से लेके चलते तो इतना इजी में बनेगा, नहीं बनेगा, तब आपको नंबर बार बार रखिएगा, फिर डिफरेंस निकालिएगा, उससे अच्छा लिख दो बात खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों हाँ, LMNO RSTU WXYZ, और ये ZYXW जो है ये अपोजिट सीक्वेंस में है, ये रिवर्स में है, सीधा में नहीं गया है। रिवर्स किसी को याद है, जेड से तक कोई एक आदमी लड़कियों में नहीं याद है, ZYXW BUTSR QPONML KGI HGP DCBA, छोटकी सुनाएगी, लड़का में कौन, यस सर तो बोला लेकिन कौन, तुम सुनाओ तो, नहीं ठीक है, लगभग ठीक है, रिवर्स में याद करने से, हाँ लड़का है ना भाई, ये सब चीज थोड़ा तेज होता है पढ़ने में। अब आप लोग एक को देगी जवाब, बोलो ना ना बोलो, कुछ का डर लगता है जी, डरने का नहीं है इसमें, यहाँ पर डरने कोई है लड़कियों में जो सुनाते हमको जेड से लेकर ये तक, सुनाइए बैठे बैठे, है रुको 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 एक मिनट रुको रुको, गड़बड़ा दिया ये लोग, PQMN तो सीधा वाला बोल दिए थे आप, हाँ ठीक है, इतना छोटे था जी, बीच में गोल नहीं हो गया है, अच्छा एक बार और, हाँ
ONML हाँ अबरी ठीक था। हाँ ए, ए देख ले देख ले देख ले। हाँ लड़का जब बोला था तो एक भी लड़कियां नहीं ताली बजाई थी। हाँ नहीं बजाई थी, लड़की बोल रही देख ले धीरे धीरे, सुनाई नहीं दिया था। ए भाई झगड़िया माता तुम लोग शांत रहो भाई। आई ये चार और ये दो छह हो गया, ये बारह और एक तेरह हो गया, ये ग्यारह और आठ उन्नीस होता है, यहाँ बीस दे रहा है, यही अलग है। और एच और आर जोड़िएगा अठारह आठ तो छब्बीस, क्लियर है इतना। चलिए बढ़े, एफ डी बी देख लो, एफ डी के साथ बी। अच्छा एफ का वैल्यू कितना है छः। अच्छा ये देखो तो जरा, चार और दो हो रहा है, चलो ये देखिए तो एक और ये बारह तेरह हो गया, चलिए आर का अठारह और आठ छब्बीस हो गया, यही होने वाला है, मिला। हाँ लिख लेना, नोट कर लेना तो भूल जाइएगा, ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा है कि भूला भी सकते हैं, इसलिए लिख जरूर लेना इसको, क्योंकि ये एच आर इसको जोड़ के इसको लाया गया है, और के एच को जोड़िएगा तो बीस नहीं होगा, ग्यारह और आठ उन्नीस होता है, ठीक है। चल चले इसको बोलिए, ये है एल एम एन ओ, ये एम एन ओ ओ पी एक साथ है। अच्छा रुक जाइए, ओ पी एक साथ है, क्यू आर आई जे के ओ पी एच आई एम एन एल एल ओ तो नहीं होता ना, एल एम होता है उसके बाद, ठीक है। बीच में जो है, बीच में सीक्वेंस में है क्यू आर जे के ओ पी और एम एन, ठीक है। और जो फर्स्ट और लास्ट वाला है बस उसके बाद वाला है, तो यहाँ ओ नहीं होता है जो डी नंबर में दिया है, ठीक। चलिए अगला सी नंबर के एल ए जेड देख ले, ए जेड अपोजिट है, एल ओ अपोजिट है, आर आई अपोजिट है, सी के साथ एक्स होना चाहिए था, ये नहीं है, सी के साथ में एक्स होना चाहिए था, क्रक्स अपोजिट हो गया। चलिए चौवालीस पे जाएं, किसका सी होगा, अच्छा ऐसे नहीं बोला करो, हम बदलबो नहीं किए तो सी डी, तो हम आंसर बोल दें क्या एक के बारे में, मिला लीजिएगा खत्म कर देंगे तुरंत पे। चलिए कुछ गलत भी है इसलिए संभाल के चलना, देखो ए बी सी डी ई एफ जी, एक एक का गैपिंग है इधर से, ऐसे ऐसे चलिए, क्योंकि अगर सीधा जाइएगा तो आपको माइनस में पढ़ना पड़ेगा तो दिक्कत कर देगा, तो जैसे आप जो चीज़ ज़्यादा जानते हैं उसी का फॉलो करिए, आप आगे प्लस जानते हैं प्लस को फॉलो करिए। अच्छा क्यू आर एस टी यू यू भी एक साथ दे दिया है, तो एक और चेक करेंगे तभी ना, ओ पी क्यू आर एस टी, अब ये सी होगा, जब तक एक चेक नहीं करेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमको लग रहा उधर का कोई ग्रुप में दो तीन आदमी नहीं समझ रहा है, जो नहीं समझे कृपया हमको बता दें, नहीं समझ रही है, हमको आभास आ रहा था कि कोई कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए कहाँ पे नहीं समझ में आया हमको बताना, क्लास पहला है क्या आपका, छूट गया था तो आज जो शुरू किए हैं ना, तो ये आज वाला को कल से कोई मतलब नहीं है, ये अल्फाबेट में है तो इसमें अपोजिट याद रखना होता है, ए से लेके जेड तक याद है, सुना दीजिएगा बोलिए ए बी सी डी। सही बोली है, ठीक है बस हो गया, उतना ही का ना खेला, केकरा ने सुना दिया रे लड़कवा में, कह रहा सुनाई नहीं दे रहा, तब कितना मजा आता है, सोचे
जितना देखो इस सब में मत करो, अंतिम में आपको फोटो तो मिलेगा देखने के लिए ना, देख लेना एक अच्छे खासे मुस्कुराते इंसान कितने डरे और सहमे हुए हैं। हाँ हमको बड़ा खुशी मिल रहा है। हाँ शादी होता है किसी को देखते हम बहुत खुश होते हैं, जो तू हो गया अब लोग खुश होता है, खुश कौन सी का हो रहा है जी, जिम्मेदारी बढ़ गया अब आपका, अब आजादी आपका खत्म। अभी हमको जाना होगा तो पहले हम अपनी इच्छाधारी को फोन करेंगे, है ना, सही बात जो है। इच्छाधारी कहेगी नहीं आपकी बेटी अभी जगी हुई है तो हमको घर जाना पड़ जाएगा, और मान लो शादी नहीं हुआ रहता तो पीके का शादी हो कि प्रियांशु का, जब मन तब तैयार। प्रियांशु सर का शादी है 1 महीने के बाद, बता दिए आपको, मेरे क्लास का जितना पार्ट है काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, किसी जीवित मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। शाहरुख खान का शादी हो चुका है गौरी खान से, शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले को भी बुलाइए। अच्छा दिखला देंगे, दिखला जाने वक्त देख लीजिएगा, मन का भरास मिटा लीजिएगा, पढ़ाई से मतलब नहीं, ऑनलाइन वाले भी देखेंगे। हमको बड़ा मजा आ रहा है उनका फोटो, इसलिए हम फोटो नहीं दिखाते, लेकिन उनका जो जरा सामा चेहरा है ना वो हमको बहुत सुकून मिल रहा है। क्या कि जब हम कहते थे ना कि सर देखिए ना अभी नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा वाइफ का बैंक से आने का टाइम हो गया है, तो क्या सर आप पत्नी पत्नी, अब आएगा मजा है ना, अब होगा खेला। हाँ ये भी देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी है ना, अच्छा एस टी यू वी के बाद डब्लू एक्स, 2 आ गया जी, गड़बड़ है, अच्छा बी के बाद डब्लू एक्स वाई जेड ए बी, यही आपका अलग है, क्योंकि 2 एक जैसा हमको मिलना चाहिए। आया अपनी समझ में, 2 अभी तुम देखवा नहीं कि तो समझ में कहाँ से आएगा, तो 2 एक जैसा मिलेगा तो तीसरा खुद ब खुद अलग हो जाएगा। यहाँ देखो ए बी सी डी सिखाए ना अभी पढ़ने के लिए, तो ए बी छोड़ के सी डी छोड़ के ई और एफ छोड़ के जी, आ गया अभी ना बोला नहीं समझ में आया है, ये आया कि नहीं आया, एक एक छोड़ के। अब ऐसा ही हम इसमें देख रहे हैं कि वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, इसमें भी एक एक का गैपिंग है, जब इसमें देख रहे हैं तो वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ 2 का गैपिंग आ गया, इसीलिए ये अलग है। बस समझ में आया, बस गैपिंग देखना है। मान लो एगो में आया ए सी और आ गया डी एफ, तो ये दोनों सेम है क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ गैपिंग सेम है। अब यहीं पे आपको आ गया जी और जे दे दिया, तो जी के बाद क्या है एच आई तब ना जे, 2 गैपिंग आ गया, तो यही अलग हो जाएगा। तो ये नंबरिंग का खेला है। चलिए आगे जी, देखो लड़का लोग कोशिश कर रहा लड़की की आवाज में बोलने का, पी के भगवान उसे लड़की का ही स्वरूप दे दें, गंगा जल दो ना हम शराब दे के एक बार बनाइए देंगे। आपको मेरे बारे में नहीं पता है, हम मेरा बैक हिस्ट्री नहीं जानते, हम गोरखपुर जाते थे पढ़ाने के लिए, वहाँ मंदिर था, बहुत विद्या सीखे हैं वहाँ पे, हम सुने हैं ना गोरखधाम के बारे में, हाँ बना देता है उसमें जादू क्रक्स और मून, हाई स्कूल और एम का क्या होता है एन होता है, डब्लू दे दिया, मतलब ये अपोजिट वाला था, सी नंबर आंसर। बात समझ में आया, यहां देखो हाई स्कूल लियो अपोजिट है, इंडियन रेलवे कुर्ता पजामा अपोजिट है, यहाँ मून और क्रक्स अपोजिट है, ये हाई स्कूल तो है लेकिन एम का एन होता है अपोजिट, यहाँ डब्लू दे दिया था इसलिए ये गलत हो गया। क्लियर हुआ अपोजिट, अपोजिट किसको याद नहीं है, नहीं याद है आप लोग को, कोडिंग पढ़ाएं क्या इसमें, कोडिंग नहीं पढ़ाए हैं, तब याद करवा देंगे। देखो किसका फोन हुआ, किसका बजा रहे नहीं पहले बता, फोन किसका बजा, एप्पल वाला बजा था ना,
मतलब हम यही देख रहे थे कि भैया एकर तो फोन आ रहा है तो बर्बाद, और तू लोग एकरा पे ध्यान दे ले तो तू लोग बर्बाद। रेडमी है कि रियलमी है, दूसरे का जिंदगी में ताक झांक करने वाला इंसान करते रहो क्योंकि अभी नहीं करेगा तो कब करेगा बुढ़िया में। हम ना रोकते हैं इसे, पता चलेगा। देखो इसका 10 और इसका 1 तो 11, 26 और 1 27, 3 और 3 28, 3 नहीं, चलिए तो यही आपका अलग हो गया, बुझी जी। टी और एच कितना जोड़ेंगे कितना होगा, 20 और 8 29, हाँ 29, अरे वो 29 कह रही है जकरा से पूछ रहे हैं, तो कितना बोली थी फिर देखो सही बोलना, कुछ भी नहीं बोली थी, यही तो है यही पता करने का तरीका, काहे नहीं बोलती हूँ, जेना बोले सातो विद्यानाश। हाँ आगे से बोलना, कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू, है ना छोटू, ना छोटू ना तुम, कितना एज हो रहा है रे, एक मेरा स्टूडेंट था धीरज, धीरज एक नाम है, अभी पता नहीं बैंक में है, बता दें आपको, इतना ही आप लोग नहीं जानते होंगे, 2010 में ही वो बैंक में जॉब किया है, इतना ही था, और उसका बाउंसर है दो गो, बड़ा बढ़िया बाउंसर, दोनों बाउंसर के साथ आता था, अपना पढ़ाई किया चला गया, और बैंक में अभी मैनेजर है। बस इतना जान लीजिए कि पढ़ाई फोकस करिए, दुनिया को कोई ताकत रोक नहीं सकता है, खाली पढ़ाई पे आपका फोकस होना चाहिए। आप अपने आप को कभी मत सोचिए कि ये लड़की आपसे ज़्यादा तेज है, वो लड़का आपसे ज़्यादा तेज है, वो पैसा वाला है तो वो गरीब है कुछ, और अमीर गरीब कुछ नहीं होता, पढ़ाई पढ़ाई है। खान सर अगर हैं तो गरीब अमीर तो कोई बातें नहीं है, सभी पढ़ेगा ठीक है, नहीं तो एगो मनीषो सर हैं जो मोटिवेट करते हैं। हाँ ए बजा ताली, नहीं नहीं ताली नहीं बजाना, हाँ याद आ गया हमको, याद आ गया, ताली नहीं बजाना, अब निपट लेगा तुम लोग। आज ऑनलाइन में पूछ रहा था ये बजाओ ताली क्या है, हमके फाउंडेशन वाले से पूछना। चलिए सी, अच्छा समझ गए भैया, आप लोग बहुत तगड़ा समझ गए, 18 2 20, 3 और 17 20, क्लियर है ना, 2 और 20 ये 22 हो गया, इसीलिए ये अलग है, और ये 10 और 10 20, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, बजाओ ताली। अब यहाँ देखिएगा ए जेड और बी वाई मिल गया, बी वाई सी एक्स मिल गया, डी डब्ल्यू और सी एक्स, रुको एक मिनट, अरे एक के चीज लिख दिया है, अच्छा देख लो यहाँ पे एक्स कर लीजिए, इसको एक्स सही कर लीजिए, तब यहाँ को आंसर कर लिए, क्योंकि जब दोनों में ऐसे कर दिया तो क्या करिए, गड़बड़ हो जाएगा, किसको सही कर दिया, डी को कि सी को, छोड़िए सी कर लिए सही, देखो यहाँ एक्स होना चाहिए था, और अगर मान लीजिए वो उसको सही मानते हैं तो आपको डी का डब्ल्यू तो है, तो इसको एक्स बनाइए, अगर इसको एक्स बनाएगा तब ना ये दोनों अपोजिट होगा, तब ये दोनों अपोजिट होगा, तब आप इसको आंसर मार सकते हैं, क्योंकि सी का एक्स होना चाहिए था और डी का डब्ल्यू तो है ही, तो जिसको जो सही करना है कर लो, बात बराबर है, कोई कर लिया है तो कोई बात नहीं, जो नहीं किया आपके मन से कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, बोलो। अच्छा ऐसे करके ले आएगा, नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट लगाए नहीं हम, फिर देख लेते हैं, सीरियस से कौन है भाई, ए बी सी डी ऐसे करके, अच्छा बी सी और ये ऐसे है, ये सोच रहे हैं आप, उधर देखने दीजिए, ए बी है तो वाई जेड होना चाहिए था, जेड वाई है तो चलो इधर देख लेते हैं, जेड वाई है, अगर देखो अगर यहाँ पे अगर आप ये लगाइएगा तो यहाँ गौर से देखिए जेड वाई है, जेड और वाई पीछे आ रहा है, तो यहाँ भी डब्ल्यू एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ भी वी डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू वी होना चाहिए था,
तब इसलिए गड़बड़ हो गया कॉन्सेप्ट, फिर जो कॉन्सेप्ट लगाए ना वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसमें सब में समान होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ अपोजिट वाला था, वो इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ठीक है। कभी कभी लगता है पैटर्न दो गो आइए, कौन हो गया सी, कई सही तो हमरो ना समझ में आए। हाँ रुको बोलने दो, अरे रुको, हाँ बोल रहे, उंगली से बोलो इशारा को, कौन इशारा को, कौन नंबर आंसर, सी ऑप्शन सी, मेरा डी, मतलब कौन, हम बेच रहे हैं कुछ क्या कि मेरा 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 बी फिक्स कर दो भाई, हाँ बी होगा उस सी होगा। अच्छा रुकिए जरा सा, देखिएगा एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और यहाँ दो दो चार पाँच, एलिमेंट गिन लिए है ना, यहाँ एलिमेंट गिन के काम कर दिए, वही कॉन्सेप्ट लगाए। दूसरा और कोई कॉन्सेप्ट बताओ, एलिमेंट काउंट करने के बजाय और कोई नियम, डी एफ को कहाँ बता रहे हैं, इसमें किसी एक को पहले करिए ना, ए ई एफ जे में क्या किए बोलिए, ई एफ वाई जेड एच आई ओ पी है ना। अब फर्स्ट और लास्ट वाला का कुछ करिए, फर्स्ट और लास्ट, बीच वाला तो हो गया ना, अब फर्स्ट और लास्ट वाला का ए जे कैसे लाया, वाई डी कैसे लाया, ये तो वो ना होगा हमको लगता है, के टी कैसे आया और ई एल कैसे आया। बीच वाला तो समझ में आ गया ना कि बीच में नॉर्मल है ई एफ वाई जेड एच आई ओ पी, तो पहला और लास्ट वाला का काम है, ए का एक होता है, जे का दस होता, मतलब प्लस नाइन इसमें ऐड किया है, तो इसमें यू से डी में इक्कीस में ऐसे नहीं, प्लस नाइन जोड़िए, इसमें कितना जोड़ा प्लस नाइन, तो जे हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब यू से डी जोड़िए, यू यू से डी जोड़िए, आप प्लस नाइन नहीं जोड़ पाइएगा, तो हाथ से जोड़ लिया, यू है ना, यू का वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी आ गया प्लस नाइन में, तो यू का डी हो गया प्लस नाइन, पहले समझ में आया कि नहीं। अब यहां आइए, के से टी 11 में नाइन जोड़िए, तो 20 हो गया, तो टी भी आ गया प्लस नाइन करने पे। अब पांच में, अब तो यही आंसर है मेरा, पांच में नौ जोड़िए, नौ पांच कितना 14, 14 का मतलब क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए था, यहाँ एल दिया हुआ है, आ गया समझ में। पहला और लास्ट वाले में प्लस नाइन ऐड किया गया है, बीच में सीक्वेंस में है, बीच में क्या है, सीक्वेंस में। इसका पैटर्न बड़ी खतरनाक होता है, क्योंकि प्लस नाइन आप सब में जोड़िएगा, यहाँ पे जोड़ने वक्त में आप रुक जाते हैं, अरे यू का डी कैसे गया, भूल छोड़िए देते हैं, हटाओ बातें हटाओ, लेकिन यू में जैसे नाइन जोड़े तो डी पहुँच गया। तो ये सब पैटर्न है, बहुत जहरीला, इसको नोट करके रखना। चलिए आगे बढ़ें, सी ओ पी क्यू, ओ पी क्यू सीक्वेंस में है, बी सी डी ई एक छोड़ करके है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक छोड़ करके है, के एल एम एन एक छोड़ करके है, तो आंसर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई समस्या होने वाला है, होगा तो जरूर है नहीं, इसमें कभी भी क्लासिफिकेशन में लेटर वेटर में दिक्कत नहीं होता ज़्यादा, वो पकड़ में आ ही जाए, क्योंकि 26 लेटर का तो खेला है, सब नंबर में खाली दिक्कत है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, रुक जान जरा सा, ओ एन एम एल के जे रुको रुको जरा सा, ओ एन एम एल, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, ए बी सी डी सीधा गया, पी क्यू आर एस सीधा गया, ठीक है, एच आई जे के इधर से आया, ओ एन एम एल भी तो उल्टा ही चला गया ना, अच्छा दोनों उसी तरह हो गया है,
तो खैर दोनों उसी तरह हो गया है, तो तनी गड़बड़ हो गया है, छोड़ दीजिए। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि चार को सीधा, तीन को सीधा दिए थे, एक रिवर्स दिए थे, अब काहे ने दूठों को एक जैसा कर दिया पता नहीं, भगवान जाने। चलिए हाँ, उसको गलत कर दिए, बी डी से एच, हम लोग नहीं समझ में। 153, 153 का बताओ कोई भाई। एक सौ तिरपन किसी से बन गया? 153 किसी से बना है? नहीं बना है ना कोई ऐसा? हाँ बोलिए। तुम इतना दूर है, कॉन्सेप्टों नहीं बता पाएगा। और नजदीक में किसी का बना है? पूरे क्लास में एक ही लड़का का बना है। कौन नंबर? अच्छा रुकिए, उसका सुनने दीजिए पहले। इधर से किसी कोई बोल रहा था? इधर से कोई कह रहा था? कहाँ है रे? तुम ही है? पिलर के पीछे कोई है? डी, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, ये डी होगा। तो कैसे डी होगा जरा सा बताओ। चलिए तो ये चार है, तो इसमें प्लस चार किए तो आठ हो गया। अब ये तो आठ हो गया ना, और आठ के बाद ये कितना है? 16, चार दुनिया आठ, चार तिया 16 है। अच्छा और देख लेते हैं, मतलब इस बीच में आठ का डिफरेंस है, इस बीच में चार का है, यही ना? तो आगे भी होना चाहिए। सी का तीन है, इसका छः। अच्छा तीन दुनी छः, और यहाँ भी हुआ चार दुनी आठ, यही ना? देख लेते हैं, अब दो दुनी चार, अब पाँच दुनी 10, बड़ा बढ़िया पकड़े हैं। अब आगे बढ़ के देख लेते हैं, 8 दुनी 16 और 4 दुनी, वाह बहुत बढ़िया, 6 दुनी 12 बहुत तगड़ा, 10 दुनी 20 में कौन आना चाहिए था? टी, बाप रे बाप बहुत तगड़ा। कौन बताया जी? है तू थोड़े बताया, इधर से कोई लड़की बताई। हाँ बहुत बढ़िया, ये हम लोग नहीं पकड़, हम ही लिखे थे, हम ही बुला गए थे। अब छोड़ो ना, ये कॉन्सेप्ट मिल गया, दूसरा काहे करेंगे भैया? शादी अब फाइनल हो गया, अब इधर उधर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। फोटो लगेगा, टाइम हो गया ना। फोटो दिखा दें, काहे हड़बड़ा रहा है? 53 है, दो तीन क्वेश्चन और है। 58 है ना, कल नया चैप्टर होगा, ठीक है? क्या होगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन नया चैप्टर होगा। चलिए 153 के बाद 154 का 22 सी है क्या? ये वैल्यू है, आर का 18, पी का 16, एम का 12, एस का 24, ये 13 है, तो आंसर सी, क्योंकि सी का 22 नहीं होता। और यहाँ ठीक कर लेना, एम का 13 होता है। चलिए 100 कौन था ये? 54, 55 में देखिएगा, एम और प्लस 5 कर दीजिए, एम कितना हो गया? 13, और 13 5 18, क्लियर है? ये दोनों जोड़ के ये होना चाहिए, तो ये 20 4 24 क्लियर है, और यहाँ 2 9 2 11 क्लियर है, यही आंसर होगा। 6 4 10 होता है, ये दिया है। 155 का 56 में आइए, 156 में देखना जरा सा, ये है कितना? 15 और डिवाइड 5 तो 3 आ गया, ये है आपका कितना? जे है 10 भागा 2 5 हो गया, 24 भागा 4 6 हो गया, 16 भागा 8 तो कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। वहां जे कर लीजिएगा, सी नंबर में जे कर लीजिएगा, हो गया। 57 में आइए, देखो आई टी एच डब्लू, कुछ गड़बड़ किया है क्या? रुके, आर एस टी टी आर एस सब मिलाना पड़ता है, डब्लू आई टी एच है ना,
WITH को HWIT है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं किया है, ये HH को वहीं आगे कर दिया, पीछे वाले को आगे कर दिया, WIT को पीछे रख दिया। अब यहाँ पे देखिए T को आगे कर दिया और RS को पीछे में रख दिया। यहाँ भी आइएगा तो I को यहाँ रख दिया और MAN को पीछे रख दिया। तो यही वाला आपका आंसर है, चिन्ह लगा लेना, एरो लगा लेना। और उसके बाद कौन है, 58। 58 में नॉर्मल है कि सब में भावेल है, आइस में कॉन्सोनेंट है। चले हो गया है, नहीं है ना, यहाँ बोले नहीं आ रहा है, अगले क्लास में नया चैप्टर। हाँ और बताओ।